Peixe, Breathe into the Shadows, Amazon Prime की नई पेशकश। एक ऐसी कहानी जो आपको बांधे रखेगी। आप सोच भी सकते कब, कहां, किस मोड़ पर क्या हो जाता है। काफी कुछ ट्रेलर से पता चलता है, लेकिन फिर भी सस्पेंस को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा है। और अगर बात की जाए एक्टिंग की, तो अभिषेक बच्चन ने फिर अपने आप को एक बार साबित किया। उनका कहना था कि OTT प्लेटफॉर्म्स अगर नहीं होते तो कई लोगों को पेरेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। और ये शायद काफ़ी हद तक इस सीरीज के लिए भी उनके हिसाब से सही बैठता है। कोई कमी नहीं रखी उन्होंने किसी भी प्रकार की, अपनी एक्टिंग को अच्छी तरह से विश्वसनीय रूप से पेश करने। साथ में उनके अमित साथ जो कि अमिताभ बच्चन के साथ सरकार टीम में काम कर रहे हैं, और अब अमिताभ बच्चन जी के बेटे बच्चन के साथ देखा जाए तो बराबर टक्कर कहीं कोई कमी नहीं है। अभिषेक बच्चन को बिल्कुल टक्कर देते हुए उनके साथ चलते हैं। और नित्या मैंने OTT प्लेटफॉर्म पे पहली बार डेब्यू किया अभिषेक बच्चन के साथ, अपनी तरफ से उन्होंने कोई कमी नहीं। अमित शाह और अभिषेक बच्चन दोनों के साथ आज है। बच्ची का रोल बहुत अच्छा है उसमें से ज़्यादा। परिवार के रूप में अभिषेक बच्चन बिल्कुल भी हर तरह से फिट बैठते हैं। क्या मैं बिल्कुल सुंदर और साथ में उनके सयांग खेल भी बच्ची के रोल के साथ सब ने बहुत सही तरह से सामान्य तमाम तौर पर ये सारे तैयार की कोई कमी नहीं रह जाती है। अगर स्टोरी अच्छी है इसी प्रकार से कहीं किसी तरह का कोई चूक नहीं छोड़ा। और नित्या मैडम के तो कुछ ऐसे बोल्ड डायलॉग हैं जिन्हें वो क्लिक करने से पहले सोच नहीं लेकिन जब डिमांड को करना और काफ़ी हद तक बांधे भी रखे हैं। इसके लिए उन्होंने काफ़ी वजन भी बढ़ाया था और उनको बहुत कुछ है कि उनको कॉल किया गया। लेकिन यही है शायद फिल्म इंडस्ट्री की अहमियत भी, आप जो सोचते हैं जैसा करते हैं फर्क होगा। आप अच्छा लगने के लिए कुछ करते हैं और लोग आपको रोजगार है। बहरहाल जो भी है इस कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही। सारे अच्छे कैरेक्टर, बहुत ही अच्छी तरह से उमदा अभिनय काम कर रखने वाला, कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। आप बैठेंगे देखें अगर तो आपका जी चाहेगा कि नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कब कहाँ किस मोड़ पर कैसा क्या हो जाता है वो सोच ही नहीं सकता। ये 10 जुलाई की रात 12 बजे स्ट्रीम हो चुकी है। जरूर देखो अपने फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ।